जबलपुर में गत दिवस रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के देवेंद्र छात्रावास में रहने वाले छात्र को चाकू की नोक पर लूट करने वाले आरोपी को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लूट की घटना उस समय हुई जब छात्र किसी काम से रेलवे स्टेशन आया था और वापस जाते समय दो युवकों ने उसे रोका और चाकू से हमला कर उसका वाहन, मोबाइल और 2,500 रुपये छीन कर फरार हो गए। युवक किसी तरह थाने पहुंचा और अपने साथ हुई लूट की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया, जहां उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम देना कबूल किया। में रहते हैं देवेंद्र छात्रावास में, लॉ स्टूडेंट हैं ये। रात में 12:30 बजे वहाँ स्टेशन गए हुए थे, तो उनके साथ एक घटना घटी थी जिसमें दो आरोपी थे। दोनों ने इनको चाकू से वार करके इनकी बाइक, एक साइन बाइक, इनका मोबाइल और 2,500 रुपये लूट करके ले गए थे। दोनों आरोपियों की हमने लगातार सीसीटीवी फुटेज और लोगों से पूछताछ के माध्यम से तलाश पतारसी की, तो इनका लोकेशन हमें सीएमएस कंपाउंड में मिला। सीएमएस कंपाउंड में पूछताछ करने के बाद हमें पता चला कि ये व्यक्ति है जो कि संदिग्ध है, तो हमने एक डैनियल नाम के व्यक्ति से पूछताछ की। तो डैनियल नाम के व्यक्ति से जो लूट किया हुआ वाहन है साइन, वो हमें बरामद हुआ है। उसका एक और साथी है क्षितिज, जो कि जीआरपी पुलिस लाइन में रहता है। उससे जो घटना में प्रयुक्त किया गया चाकू था, पेचकस था और एक्सेस स्कूटी थी, वो बरामद हुआ है। जो लूट करके जो मोबाइल वो ले गए थे, वो भी हमें डैनियल से प्राप्त हुआ है और अभी लगातार उनसे पूछताछ हम कर रहे हैं। दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी आज हम उसे न्यायालय में पेश